दोस्तों आईपीएल 2023 का मिनी ऑक्शन केरल के कोच्चि में जारी है। अभी तक के ऑक्शन में कुछ खिलाड़ी बिक चुके हैं तो वहीं कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। जो रूट, रायली रोसो जैसे खिलाड़ियों को किसी ने नहीं खरीदा है। वहीं पंजाब किंग्स ने दो खतरनाक खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। पंजाब किंग्स ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन को खरीदकर अपनी टीम में शामिल किया है। सैम करन पर पंजाब ने बड़ी रकम खर्च की है। इस इंग्लिश ऑलराउंडर को पंजाब ने 18 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया है। हो सकता है जब ऑक्शन खत्म हो तो करन ही इस बार के सबसे महंगे खिलाड़ी रहें। आईपीएल इतिहास में ऐसा पहली बार किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी रकम में खरीदा गया है। करन पहले भी पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं। उस समय इस खिलाड़ी को पीबीकेएस ने 7.5 करोड़ में खरीदा था, लेकिन इस बार उन पर 18 करोड़ से ज़्यादा लौटा दिए हैं। करन ने इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल प्ले किया था, जहां वे सबसे ज़्यादा विकेट लेकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। सैम करन के अलावा पंजाब किंग्स ने जिम्बाब्वे के सिकंदर राजा को भी खरीद लिया है। राजा को पंजाब ने उनकी बेस प्राइज 50 लाख रुपए में ही खरीद लिया है। राजा ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था। राजा अपने दम पर जिम्बाब्वे को टी20 वर्ल्ड कप 2022 के ग्रुप स्टेज तक लेकर गए थे। वर्ल्ड कप में राजा की खतरनाक गेंदबाजी की वजह से ही जिम्बाब्वे पाकिस्तान को 1 रन से हरा पाया था। इस साल टी20 क्रिकेट में राजा ने 24 मैचों में 150 की स्ट्राइक रेट से 732 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 5 अर्धशतक जड़े हैं। वहीं 24 मैचों में उन्होंने 25 विकेट भी लिए हैं। ऐसे में एक बड़ा खिलाड़ी पंजाब को कम कीमत में ही मिल गया है। तो दोस्तों ये दो खिलाड़ी अभी तक पंजाब ने खरीद लिए हैं। अभी ऑक्शन जारी है और पंजाब को 7 खिलाड़ी और खरीदने हैं। आप हमें कमेंट कर बताएं कि पंजाब किंग्स को कौन कौन से और 7 खिलाड़ियों को खरीदना चाहिए। तब तक के लिए बस इतना ही। पंजाब किंग्स और आईपीएल से जुड़ी ऐसी ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।